यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सन्डे डेटर एज ऑन 31 मार्च 2010। तो कुछ नहीं, हमें इसमें डेटर अकाउंट बनाना है, बना देते हैं। ठीक है, सो एक डेटर अकाउंट बना दीजिए और ये आपका फाइनेंशियल ईयर 09-10 के लिए हो गया। ठीक है, चलिए देखें क्या है डाटा। बैलेंस है 50,000, रिटर्न है 3,000 की, कैश रिसीव्ड है 230 की, कैश रिसीव्ड इन ट्रांजिट है 14,000, कैश सेल है, क्रेडिट सेल है। तो ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारा 50,000 है, क्रेडिट सेल हमारी है 2,50,000, बाय बैंक कलेक्शन है 230 की, कैश इन ट्रांजिट क्वेश्चन में बोला है कि 14,000 की हमारी कैश इन ट्रांजिट है, पैसे दे दिए उसने, अभी मिले नहीं है। सेल रिटर्न हमारी 3,000 की है, ठीक है, सो सेल रिटर्न हमारी है 3,000 की, सो सेल रिटर्न कर दीजिए। ये हो गया हमारा 3,000। चलिए आगे पढ़े, कैश रिसीव्ड हो गया, कैश रिसीव रिटर्न हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है डिस्काउंट जो है वो 1% है, तो ठीक है डिस्काउंट दे दी 1% ऑफ ओपनिंग बैलेंस, ये 500 रुपये हुए। ठीक है, और बैड डेट्स बोल रहे हैं 2% है। अब 2% ऑफ किसका, सो हम ओपनिंग बैलेंस का ही मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये और कुछ तो गिवन नहीं है, तो हम बैड डेट्स भी ओपनिंग बैलेंस का ही मान लेते हैं कि भाई ओपनिंग जो हमारे थे उसका 2% हमारा बैड डेट्स हो गया। तो ये 3,00,000, ये 3,00,000, तो 51,500 ये हमारा कहलाएगा बाय बैलेंस कैरिड आउट। ठीक है, सो सिंपल सी प्रॉब्लम थी, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी। थैंक यू।